हेलो फ्रेंड्स, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और गाइज, मैं सात्विक को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। अभी दिया के पापा सो रहे हैं, दिया भी सो रही है, सिर्फ मम्मी और मैं उठे हुए हैं और जल्दी फ्री हो गया आज हम काम से। तो गाइज, आज ना हमारे यहाँ पे लाइट नहीं आ रही बिल्कुल भी, खंबे पता नहीं क्या हो रहा है, खंबे में बिजली वाले आए हुए हैं ठीक करने के लिए। तो आज अभी बज रहे हैं 12, 6 बजे तक लाइट नहीं आएगी, 6 बजे तक बिल्कुल भी लाइट नहीं आएगी। तो आज हम सोने वाले नहीं है दिन में और पंखे भी नहीं चलेंगे, बस आज हम बैठ के ना फोन चलेंगे क्योंकि वाईफाई भी नहीं चलेगा। तो आज हम बहुत ज़्यादा बोर होने वाले हैं। तो गाइज, अभी हम बनाने वाले हैं सिलबट्टे पे चटनी, पुदीने की धनिए की चटनी बनाने वाले हैं। तो गाइज, बस मैं जा रही हूँ धनिए और पुदीने की चटनी बनाने, वो भी सिलबट्टे पे। तो चलिए सिलबट्टे पे चलते हैं चटनी पीसने। चटनी बना रही हूँ सिलबट्टे पे। इसमें मैंने टमाटर डाले, हरी मिर्च डाली है, धनिया डाला, पुदीना डाला, हल्का सा नमक डाल के टेस्ट अनुसार। बहुत ज्यादा टेस्टी बनने वाली है क्योंकि बहुत ही ज्यादा सालों बाद हमें तो फर्स्ट टाइम खाओगे ना। हाँ। हमें तो फर्स्ट टाइम खाएंगे, मम्मी फर्स्ट टाइम खाओगे ना। तो इसलिए मैंने ये सामान देखा, पहले दूध आके रख लिया, छील दिया था। ये टमाटर, 2 टमाटर डाल चुकी हूँ मैं और अभी 3 बाकी है। थोड़ी सी पीसी है, देखो इसमें भी टेस्ट आ जाएगा इसमें भी, क्योंकि मिक्सी से ज्यादा टेस्टी सिलबट्टे की चटनी बनती है। अगर आपको ये बनाना है तो सबसे पहले सिलबट्टा खरीदो जाके, फिर ही आप बनाओगे क्योंकि पीसना आसान है। बस एक बार ले आओ सिलबट्टा, मिक्सी की चटनी भूल जाओगे गाइस। पुदीने की चटनी बन गई गाइस और अब बन रही है चापे। तो चापे तलने के लिए मैंने रख दिए हैं, अब बस सब्जी बनाएंगे चापे की। आज खाने में बने हैं चावल, चाप और सैलेड, और ये मैंने आज बनाई है सिलबट्टे पे चटनी। आपको तो पता ही है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी होगी, अभी तो टेस्ट नहीं की, देखते हैं कैसे बनी है। और मम्मी चावल वो चाप नहीं खाती, तो मम्मी खाएंगी गाजर मटर शिमला मिर्च और आलू मिक्स वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए आप भी खाइए। तो गाइस, हमने खाना खा लिया, हर बार की तरह इस बार भी खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और बस आप सोएंगे, बच्चे खा रहे हैं, इसके पापा बच्चे खा रहे हैं कुरकुरे और मुझे भी खिला दिया जबरदस्ती, मुझे मुंह धोना पड़ेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड में नहीं कर लेते, लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।